सभी अन्नदाता किसान भाइयों का फार्म सिग्मा में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे सभी कृषक बंधुओं को चने की फसल में उत्पादन कैसे बढ़ाएं, किस प्रकार से हम चने की फसल का गुणवत्ता उत्पादन बढ़ाएं, हम निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी देंगे, जैसे खेत की तैयारी है, आधार खाद कौन कौन सी होगी, उन्नत किस्में कौन सी होगी, FIR क्या है, बुआई का समय एवं तरीका क्या है, बीज दर व बुआई के समय खाद कौन सी दी जाती है, सिंचाई कैसे की जाती है, कटाई छटाई कैसे की जाती है और परणीय छिड़काव कैसे किया जाता है। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगा, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबाने का कष्ट करें। खेत की जुताई, अब ये जुताई बहुत जरूरी है। हम जुताई क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं जुताई कि मिट्टी की संरचना को सुधारी जाए और जिसमें जितने भी जीवांश हैं उनका आदान प्रदान, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, गहरी जुताई जरूर करें जिससे हम खरपतवारों को ज्यादा से ज्यादा, खेत को खरपतवारों से मुक्त रख सकें। गहरी जुताई के बाद अंतिम जुताई के पहले मिट्टी परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। मिट्टी परीक्षण कराने से जितने भी कौन से पोषक तत्व हैं, पीएच मान क्या है, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना है, ये सारी जानकारी हमको मिट्टी परीक्षण से मिलती है। उसके बाद जब हम अंतिम जुताई करते हैं तो खेत में हमको पकी हुई गोबर की खाद जो है उसको रोटावेटर करके उसको मिला देना चाहिए। रोटावेटर करने से मिट्टी के बड़े बड़े जो ढेपे हैं वो छोटे छोटे ढेपों में परिणित हो जाते हैं, जिससे जो पानी है उसका आदान प्रदान सही तरीके से पौधे, हर पौधे को मिल सके। बात आती है आधार खाद की। चना जो है वो दलहन फसल है, इसलिए इसमें फास्फोरस की जरूरत होती है, क्योंकि दलहन क्या करता है, ये नाइट्रोजन को वायुमंडल से 21 दिन के बाद खुद ही स्थापित कर लेता है। इसलिए हम बोने के समय इसको हम क्या देते हैं, सुपर फास्फेट देते हैं, पोटाश देते हैं, सूक्ष्म तत्व देते हैं, जिंक सल्फेट देते हैं और माइकोराइजा देते हैं। ये बहुत ही जरूरी है। माइकोराइजा ये क्या करता है, जितना फास्फोरस आप दे रहे हैं उसकी पूरी पूरी मात्रा को पौधे को उपलब्ध कराने का काम करता है और दूसरा जैविक फफूंदनाशक का भी काम करता है। बात करते हैं किसान भाइयों उन्नत किस्मों की। जब हम काबुली चना लगा रहे हैं, जब डॉलर चना लगा रहे हैं, डॉलर चना काबुली चने का ही एक सुधरावा रूप है। इसके लिए आरवी के 101, 102, जेजी के 13 काक 2, लेकिन इसमें जो अभी जो वर्तमान की जो प्रजातियां हैं वो आरवी के 101, 102 और लेकिन जो काक है वो पुरानी वैरायटी है, लेकिन जो नई प्रजातियां अभी जो विकसित की गई है वो ये है। देसी चना अगर हम लगा रहे हैं तो जेजी 130, आरवीजी 201, जेजी 31, 11 विशाल, जेजी 36 जो कि अभी अभी वर्तमान में रिलीज हुई है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से, तो ये जो वैरायटी है इनको आप जरूर लगाएं अगर आपको चने का गुणवत्ता उत्पादन लेना है। बात आती है हमारी बीजोपचार की। जिस प्रकार हम एक छोटे बच्चे को टीका लगाते हैं, इसी प्रकार हम एक बीज को भी टीका लगाना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम उसी समय अंतर प्रवाही जो उसकी बीमारियां हैं उसको हम बीजोपचार करके कंट्रोल कर सकें। लेकिन इसमें तीन चीज होती है, FIR। FIR का मतलब फफूंदनाशक, कीटनाशक और राइजोबियम कल्चर। फफूंदनाशक के रूप में कार्बोक्सिन और स्थायरम, ये 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करना है। बीज को अच्छी तरह से पहले मिला लेना है और बीज को ऊपर दवाई डाल के उसको अच्छी तरह मिला करके फिर हम जो है उसको बोनी करें। इसके लिए हम थायफेनेट मिथाइल पायरोक्लोस्ट्रोबिन, ये हम किसके रूप में ले रहे हैं, रासायनिक फफूंदनाशक के रूप में, और उसके बाद में इसमें थायमेथेक्सेन कीटनाशक के रूप में, और उसके बाद हम जो काम करने जा रहे हैं वो है राइजोबियम कल्चर। कल्चर क्यों करते हैं चने में, इसलिए करते हैं कि चने में जो है जो उसकी जो जड़ होती है उसके अंदर में नोड्यूल्स होते हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं, मजबूत ग्रंथियां बने, प्रोक्यूस नोड्यूल्स बनने के लिए इसको कल्चर करना जरूरी है। राइजोबियम जेपोनिकम जो है उससे हम इसको उपचारित करते हैं, गुड़ और गुनगुने पानी से हम इसका राइजोबियम कल्चर करते हैं, और कल्चर जो है वो 250 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करेंगे। साथ साथ अगर संभावना हो तो अमोनियम जो मॉलिब्डेनम है इससे भी हम चने के बीज को उपचारित कर सकते हैं। मॉलिब्डेनम एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि दलहन फसल के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाने में सहायक होता है, चने की वृद्धि अच्छी होती है, इसलिए हम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से अमोनियम मॉलिब्डेनम से हम चने के बीज का उपचारण कर सकते हैं। किसान भाइयों बुआई का समय है उसका ध्यान रखना है, सितंबर के अंतिम सप्ताह में असिंचित और सिंचित जो है उसके हम असिंचित सिंचित की बात कर रहे हैं 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, 30 नवंबर और 10 दिसंबर तक बोनी को कंप्लीट कर लेना चाहिए। जब हम देरी से बोनी कर रहे हैं उसमें हमको बीज दर बढ़ा देना चाहिए,
और पास पास लगाना चाहिए। बुआई का विधि जो है वो सीड ड्रिल है, फरो इरिगेटेड और रेज बेड पद्धति। आजकल हमारे निमाल और मालवाल जंग के किसान रेज बेड पद्धति से भी चने की बोनी कर रहे हैं। मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि रेज बेड पद्धति से चने की बोनी करें, जिससे खरपतवार कम से कम उगेगी और उसके बाद में कीट व्याधि का प्रबंधन कम होगा और सिंचाई की जो नई पद्धति है उसको भी लगा सकते हैं, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। बड़े धान वाली प्रजाति के लिए जो 20 दर है वो 32 से 35 किलोग्राम, छोटे दाने वाले के लिए 24 से 26 किलोग्राम। ज्यादा 20 दर नहीं लेना है, नहीं तो चने में बांझपन की शिकायत आएगी और जो अर्धकुंडलक इल्ली है वो पूरे धानों को खा जाती है। इसीलिए हमको 20 दर जो है वो उतना ही लेना है जितनी पौध संख्या हमको एक एकड़ में आवश्यक हो। बात करते हैं हम लोग 20 दर बुआई के समय खाद। जब जब भी हम बुआई के समय खाद जो देते हैं उसमें आपकी छोटे दाने वाली किस्मों के लिए 20 दर 24 से 25, बड़े दाने वाले के लिए 32 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ खाद हम दे रहे हैं। 12 32 16 25 किलो या डीएपी 20 किलो, इसमें हमको जितना नत्रजन उसको चाहिए 21 दिन के पहले, वो नत्रजन की मात्रा इन खादों में है। इसीलिए हमें चने के अंदर में पीएसबी की आवश्यकता ज्यादा होती है, केएसबी की आवश्यकता ज्यादा होती है और नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि नाइट्रोजन खुद ही वायुमंडल से बना लेता है, इसीलिए हम उसमें राइजोबियम कल्चर करते हैं। सिंचाई की जहां तक सवाल है, चने में 2 या 3 सिंचाई की जाती है। पहली सिंचाई चने में 45 से 60 दिन पर करना चाहिए, दूसरी सिंचाई जब 80% फली बनने लग जाए, दाना भर जाए, तब इसमें हमको सिंचाई करना है। चने की जो बुआई है वो रेज बेड पद्धति से अगर हम करते हैं तो टपक या फव्वारा सिंचाई हम लगाएंगे तो पानी की बचत है, ऊर्जा की बचत है, समय की बचत है और एक बेड जो है वो 75 सेंटीमीटर का बनता है, ऊंचा बेड बनता है 30 से 35 सेंटीमीटर, उसके ऊपर चने की कम से कम अगर चना हमको 20 या 60 20 64 तीन से चार लाइन चने की आती है, खास करके जो डॉलर चना है या जो काबुली चना है उसको हम रेज बेड पे किसान भाई लगा रहे हैं और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। शीर्ष शाखाओं को तोड़ना ये सबसे जरूरी है। जब चना 20 से 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई का हो तो फूल आने से पूर्व की अवस्था में चने को जो कूटने वाली बात हम गांव में करते हैं कि चने को कूटना चाहिए, उसी से हम चने की भाजी खाते हैं, उसको हम सब्जी के रूप में उसका सेवन कर सकते हैं। इससे ज्यादा से ज्यादा शाखाएं निकलती है और इस क्रिया से उसका उत्पादन में भी अच्छी खासी वृद्धि होती है। बात करते हैं पर्णी छिड़काव के। चने को जो है पर्णी छिड़काव करते हैं जैसे प्रारंभिक अवस्था में 19-19-19, जब ये उच्च वनस्पति के तथा ग्रैंड ग्रोथ स्टेज में जाती है तब इसमें मोनोअमोनियम फास्फेट माइक्रोन्यूट्रिएंट मिश्रण अमोनियम मॉलिब्डेट, मैंने आपको अभी बताया था जो अमोनियम मॉलिब्डेट किसान भाई वो चने की वृद्धि में नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक बहुत बड़ा योगदान है इसका। नाइट्रोजन के साथ में जब उसका पौध बनता है या फलियां बनती है, जब उसमें फास्फोरस की जरूरत होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, चिलेटेड जिंक की जरूरत होती है, उसके बाद जब दाना पकता है तब इसमें 0.050 जिसमें 17.5% सल्फर होता है, चने में सल्फर की भी आवश्यकता होती है, चने में जो प्रोटीन है उसमें सल्फर बहुत अच्छा सहायक द्वितीय पोषक तत्व माना जाता है। बात आती है फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन की। अगर आप फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन हमारे जितने भी विक्रेतागण हमारे किसान में जुड़े हुए हैं वे उनको डाउनलोड कराएं और उसके बाद इसमें जो है फार्म सिग्मा मोबाइल एप्लीकेशन से आपको जो मंडी भाव के अपडेट मालूम होते हैं और उसके बाद पूर्वानुमान मौसम का मिट्टी परीक्षण की सलाह से अगली फसल की जानकारी देते हैं, प्रशिक्षण परीक्षण की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर, और दूसरा व्यक्तिगत सलाह भी किसान भाइयों को देते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम दूं इसके पहले कहना चाहूंगा कि मेरे जितने किसान भाई हैं वे सीधे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी जाकर के जुड़ सकते हैं और ये सारी जानकारियां उस पे भी देख सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं कहता हूं कि किसान भाई अच्छी खेती करें, रोज खेत पर जाएं और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करें, जिससे कि जैविक खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए और हमारी आय को कम करके अधिक से अधिक मुनाफा लिया जाए। तो किसान भाइयों राम राम, जय हिंद, जय भारत।